बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है कोल्ड कॉफ़ी हम घर पर बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने सामने ही रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने ली है कॉफ़ी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी का, साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा, मैं थोड़ा कम ही लेती हूँ तो यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच चीनी ले रही हूँ। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा गुनगुना पानी और एक गिलास हम यहाँ पर लेंगे दूध। तो जितना आपको कॉफ़ी के कप बनाने हैं आप उतना दूध यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉफ़ी को जो है फ्रेंड्स हमने चीनी में मिला देना है, इसको अच्छे से मिला देते हैं चम्मच से। और उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और ये जो पानी होगा फ्रेंड्स गुनगुना होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चीनी और कॉफ़ी को अच्छे से मिला देना है। तो हल्की सी जो चीनी है फ्रेंड्स घुल जाएगी, तो उतना ही हमने इसको घोलना है। तो देखिए एकदम ये स्मूद हो गया है एकदम से, तो इतना ही हम इसको घोलेंगे। और बाकी जो चीनी है जब हम इसको मिक्सी में चलाएंगे ग्राइंड करेंगे तो तब अच्छे से मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने इसका स्मूथ जो है इसका पेस्ट बना लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर गर्म पानी डाला था ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सी का जार। तो जार में जो है हमने सबसे पहले जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ, तो दूध को हम इसमें डाल देते हैं। ये नॉर्मल दूध है जो हमने फ्रिज में रखा था, वही दूध हम यूज़ कर रहे हैं, दूध उबला हुआ नहीं लेंगे, गर्म दूध नहीं लेना है। तो नॉर्मली फ्रिज में रखा था वही ले रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर कॉफ़ी और चीनी का जो हमने मिश्रण बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को फ्रेंड्स हमने अच्छे से जो है ग्राइंड करना है, कम से कम हम इसको 5 मिनट तो ग्राइंड करेंगे ही। तो देखिए हमने इसको कर लिया है और काफ़ी जो एकदम स्मूथ और जो भी स्मूथ इसका पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बन गया है और कॉफ़ी में हल्का हल्का झाग भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हमने इसमें आइस ऐड करनी है। तो हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं तो बर्फ़ आप अच्छे से डाल सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध जो है उसको हल्का सा जमाने के लिए रख दिया था फ्रिज में बर्फ़ की तरह, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये मेरा सीक्रेट है। तो साथ ही अब यहाँ पर जो है हम इसको दोबारा से ग्राइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से फेटेंगे। तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर एक मिल्क का एक पीस डाला था वो दूध ही था, तो दूध को हमने जमा लिया और उसके बाद हमने इसमें डाला है। तो देखिए कॉफ़ी जो है बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है और एकदम से जो ऊपर से झाग, इसमें काफ़ी ज़्यादा झाग आ गया है। आप चाहें तो हाथ से फेट कर भी बना सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ चॉकलेट और थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे चॉकलेट सिरप गार्निशिंग के लिए ले रहे हैं हम ये, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी में जो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो जिसने भी आप इसको सर्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, तो सबसे पहले जो हम लेंगे चॉकलेट सिरप। तो चॉकलेट सिरप को हम ग्लास के चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं थोड़े थोड़ा डॉट में, तो बहुत ही अच्छी इसकी गार्निशिंग जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है ये। और जो टेस्ट आता है हल्का हल्का चॉकलेट सिरप का भी टेस्ट आता है तो वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का हमने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया है इसको। तो जब गिलास के चारों तरफ आप चॉकलेट सिरप लगा देते हैं तो उसके बाद हम इसमें जो हमारी कॉफ़ी थी फेटी हुई कॉफ़ी थी वो हम इसमें डाल देते हैं। वाह बहुत ही अच्छी दिख रही है ये और इसकी जो स्मेल आ रही है कॉफ़ी की वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब यहाँ पर हमने फ्रेंड्स चॉकलेट सिरप जो है ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे, तो अच्छी तरह से जो है थोड़ा 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 करके हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं चॉकलेट, तो मैं एक छोटा सा चॉकलेट का पीस ले रही हूँ और साथ में हम लेंगे कद्दूकस। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट ग्लास के ऊपर जो है हम इसको पतली वाली साइड से जो है कद्दूकस कर देंगे चॉकलेट को। तो जब आप पियेंगे तो जो गार्निशिंग हमने इसमें की है सिरप और चॉकलेट की तो वो मुंह में आती है तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप हम और डाल देते हैं इसी के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और मैं साइड से आपको दिखाती हूँ जो गिलास हमने गार्निशिंग किया था वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
और आप चाहें तो इसमें चॉकलेट के छोटे छोटे पीसीज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी लग, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, मैंने चेक कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही बनाइए, तो आप, मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके, आसान से आसान तरीके से आपको बताऊं कि आपको, आप घर पर कैसे कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा, इसका लुक भी बाज़ार जैसा आ रहा है, और जो ग्लासेस हमने इसमें गार्निशिंग करी थी उससे तो ये और भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही बनाइए। और हमने फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की हैं, नॉर्मली कॉफ़ी ली है, दूध लिया है, और चॉकलेट भी आपको ईजिली मिल जाएगी, तो आप आराम से ये बना सकते हैं। और बस इसको आपने मिक्सी में बहुत अच्छे से फेंटना है, और अगर आप मिक्सी यूज़ नहीं करते हैं तो आप नॉर्मली भी फोक ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, और पहले कॉफ़ी को जैसे मैंने चीनी में अच्छे से घोला था तो फेंट फेंट कर ही इसमें अच्छे से झाग बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मिक्सी से ज़्यादा लगेगा, बट आप घर बिल्कुल सेम फ्लेवर की कॉफ़ी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए आप भी कोल्ड कॉफ़ी, और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मैं फिर